काला के लिए मेरा पहला अवार्ड है। बिग बॉस 5 से जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तब से आ रहा था। मैं बिग बॉस का मैं सिर्फ एक ही इंसान का फैन हूँ, सलमान खान का। मेरे को बहुत डर लगता है कोई भी गैर कानूनी चीजें करने से। मैंने पहली बार एक नेगेटिव किरदार किया है फुल फ्लेज्ड। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया। मैं हूँ आपकी होस्ट संतोष रजनी दुबे। बीती रात मिड डे इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया, जहाँ पर कई सितारे पहुंचे। यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी पहुंचे थे। यहाँ पर एक्टर ताहिर शब्बीर को उनकी फिल्म काला में उनके नेगेटिव रोल के लिए अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने काफ़ी कुछ बताया अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर। तो बिग बॉस 17 का हिस्सा वो बनना चाहते हैं, इस पर भी उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। सर, जैसा कि देख रहे हैं आपको अवार्ड मिला है, तो सबसे पहला क्या रिएक्शन है आपका इस अवार्ड को लेकर? भाई, मैं बड़ा खुश हूँ इस अवार्ड को लेकर, क्योंकि ये काला के लिए मेरा पहला अवार्ड है। और खुशी इस बात की भी है क्योंकि मैंने पहली बार एक नेगेटिव किरदार किया है फुल फ्लेज्ड। नेगेटिव इन द सेंस के ग्रे शेड बहुत है इसमें, और मतलब रिवर्स हवाला वगैरह करवाता है। सो मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा, क्योंकि मुझे जब मैंने साइन किया था तब मुझे शायद पता नहीं था मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। पर तारीफ करूंगा बिजॉय नाम्बियार साहब की, उन्होंने बहुत फ्रीडम दिया, मेरी मेहनत को सराहा और इस मुकाम पे पहुंचाया। बाकी आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब इस प्लेटफॉर्म तक आने में और इस खूबसूरत अवार्ड को पाने में आपको कितनी मेहनत लगी? भाई, बहुत मेहनत लगी। मतलब शिद्दत तो हर रोल में एक्टर करता है, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली एक थोड़ा मेथड एक्टर टाइप का, तो मुझे 1-2 महीने लगते हैं किरदार में घुसने के लिए। इसमें मुश्किल ये था कि जब आप किसी कैरेक्टर से आप आइडेंटिफाई नहीं करते। अभी मैं शरीफ सा, ठीक ठाक सा, स्वीट सा लड़का हूँ यार, मेरे को बहुत डर लगता है कोई भी गैर कानूनी चीज़ें करने से। और मुझे इस आदमी के सिर में घुसना था जिसको गॉड कॉम्प्लेक्स है, अपने आप को बड़ा ही 30 मार्का समझता ही नहीं, वो है ही, क्योंकि बस इतनी ताकत, इतना पैसा, 15,000 करोड़ घुमाता है वो, तो उसके लिए दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। तो उस किरदार के सिर में घुसने के लिए मुझे काफ़ी वक्त लगा। और अगेन बिजॉय नाम्बियार बहुत ही स्वीट रहे, बहुत मदद की मेरी, और मैंने बहुत शिद्दत से मेहनत की। और सारी सर, बात करें कि आपका अब आने वाला अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या होने वाला है? वेल, एक पिक्चर है अभी, स्लाइस ऑफ लाइफ है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। टाइटल बोल नहीं सकता क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी दो फिल्म में एक शो है, दोनों पे मैंने हस्ताक्षर नहीं किए। उसके बारे में, मैंने उस फिल्म के बारे में कुछ छोटी सी झलक कुछ आप बता सकते हो? यार, मैं ना जरा थोड़ा अभी बहुत सीरियस चीजें कर रहा हूँ 2-3 सालों से, तो ये जरा थोड़ी स्लाइस ऑफ लाइफ नुमा है। स्लाइस ऑफ लाइफ मतलब एक रोमांटिक लव स्टोरी विद अ ट्विस्ट है। तो और जो उसमें ना एक विलन कर लिया, तो आई थिंक अभी थोड़ा एक स्वीट सा रोल करना चाहिए। बिल्कुल। साथ ही सर, बात करें कि बिग बॉस 17 आने वाला है, तो आप उसको लेके क्या कुछ कहना चाहोगे और किसको आप देखना पसंद करोगे? और अगर बिग बॉस 17 आपको ऑफर होता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? यार, आई डोंट थिंक अभी तक ना, मैं जैसे जब मैं एक्टिंग भी करता हूँ, मैं हमेशा एक रोल को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ अगर मैं कर पाऊंगा कि नहीं। बिग बॉस आई डोंट थिंक अभी तक मैं रेडी हूँ करने के लिए। वो आ चुका है मेरे पास, बिग बॉस 5 से जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तब से आ रहा था, पर अभी मैं रेडी नहीं हूँ। पर मैं बिग बॉस का, मैं सिर्फ एक ही इंसान का फैन हूँ, सलमान खान का। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सलमान सर। मे सलमान सर कीप डूइंग बिग बॉस टिल बिग बॉस 250। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ओके, बिफोर लीविंग, आप अपने फैंस को और अपने सभी, अब ये इवेंट जो हुआ है मिड डे इन्फ्लुएंसर्स का, उसका क्या मैसेज देंगे? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये मिड डे का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और इन्फ्लुएंसर्स को इतना मकाम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिड डे, और हम जैसे एक्टर्स को भी सराहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे दर्शक जितने भी, निशा और उसके कजन से लेके आज तक जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आई लव यू, मेरे फैन क्लब सबको, सुवाना वगैरह, यू नो, ऑल माई G7 एवरीबडी जिन्होंने मेरा काम देखा, एंड ऑल द न्यू फैंस ऑल्सो, आई लव यू। ताहिर शब्बीर एक जाने माने एक्टर माने जाते हैं। उन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है, लेकिन काला फिल्म में उनका किरदार काफ़ी नेगेटिव रहा, काफ़ी ग्रे शेड में उनको दिखाया गया, लेकिन उसके लिए उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। वो काफ़ी खुश भी नजर आए। वेल, इस पे क्या है आपकी राय, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।